सो नेक्स्ट वीडियो इज रिगार्डिंग आर कंसीलर, अफोर्डेबल कंसीलर। एक दिन ची दोनों शूट कर लिए मैं, क्योंकि सारा वेट तो होने ही नहीं और मैं शूट लेट नहीं करना चाहती थी। सो आई थॉट कि चलो अफोर्डेबल कंसीलर्स भी आज ही शूट कर लेते हैं। सो अफोर्डेबल कंसीलर्स एक्चुअल में अफोर्डेबल हैं और वो अंडर रुपीज 1000 है। आप लोग इसके कोई भी जितने मर्जी शेड लो, सारे के सारे बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं स्किन टोन पे, हमारे इंडियन स्किन टोन पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कंसीलर जो मैं इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं, मेरे बच्चे आज भी यूज़ कर रहे हैं, सो दीज आर फ्रॉम मेबेलिन। सो मोस्ट हाइप्ड कंसीलर, गुड कवरेज, इंडियन स्किन टोन के लिए अमेजिंग, ड्राई स्किन के लिए अमेजिंग। सो ये है फ्रॉम मेबेलिन। दीज आर द एज रिवाइंड कंसीलर्स और मुझे पता है ये बहुत ही हाइप्ड कंसीलर्स हैं और शेड्स इतने अमेजिंग आते हैं, तो आप लोग ये वाले कंसीलर्स बाय कर सकते हैं, अफोर्डेबल हैं और अमेजिंग हैं। सो नेक्स्ट कंसीलर है फ्रॉम लॉरियल। इसका मैं ये बोलूँगी कि हम मुझे ना मार्केट में इसके लाइट कंसीलर के शेड्स नहीं कभी भी मिलते, कितों मिलते हैं मैंने ज़रूर कमेंट करके दोस्तों, मैं भी मंगवा लाँगी। सो इसका डार्क दो कंसीलर शेड्स हैं जो कि कंसील, यू नो, डार्कनेस को छुपाने के लिए बहुत अच्छे काम आते हैं। तो ये वाला कंसीलर बहुत अच्छा है, गुड फॉर ड्राई स्किन, गुड फॉर नॉर्मल स्किन, एवरेज स्किन टाइप। सो अगर आपको कंसील करना है, कलर्स इतने अच्छे हैं, तो आप लोग ये वाले लॉरियल के कंसीलर्स बाय कर सकते थे, अमेजिंग क्वालिटी। सो ये मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, और भी बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स आते हैं जो आप लोग हमें बता सकते हो, मैं यूज़ करूँगी, उनके बारे में रिव्यू कर सकती हूँ। अब लेकर आई हूँ कंसीलर्स जो कि हैं फ्रॉम के ब्यूटी। सो के ब्यूटी बहुत अच्छा काम कर रहा है विद कंसीलर्स, फाउंडेशन तक मैं अभी पहुंची नहीं हूँ, बट आई एम लविंग देयर कंसीलर्स। और भी एक दो चीज़ें हैं जो उनकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी, बट आज बात करते हैं इनके कंसीलर्स के साथ। जब से इनके कंसीलर्स मेरे हाथ में आए हैं, आई थिंक इसका एक लाइट शेड आता है जो मेरी हाइलाइटिंग पे अमेजिंग वर्क करता है, मैंने हाई एंड छोड़ के ये वाला यूज करना शुरू कर दिया। सो दीज आर रियली अमेजिंग, गुड फॉर ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, एनी स्किन टाइप। द कंसिस्टेंसी इज रियली नाइस, इट गिव्स यू अ गुड कवरेज। सो यू कैन इन्वेस्ट इन के ब्यूटी कंसीलर्स एंड द शेड्स आर ऑल्सो नाइस। इसका लाइट शेड आता है जो मेरे लिए हाईलाइटिंग के लिए बहुत ही मस्त है। इससे लाइट गोरे चिट्टे बंदे के लिए आई डोंट नो, बट फॉर मी इट वर्क्स अमेजिंग। बहुत बढ़िया कंसीलर आ ले लो। हूँ आ जाने एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड जो कि मैंने लगता है हर चीज़ बहुत वधिया बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वधिया वधिया काम कर रहे हैं। सो दीज कंसीलर्स आर फ्रॉम, गैस करो, चल छोड़ो मैं दस देनी। सो दीज आर फ्रॉम फॉरएवर 52। इनकी दो रेंज आती है, दो दो शेड्स हैं, रेंज नहीं है, ठीक है, पहले मैं क्लियर कर दूँ। सो दीज आर द कंसीलर्स, इसकी कंसिस्टेंसी इज अमेजिंग। सबसे पहले जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, मुझे लगता है एज रिवाइन में और एक इस पे। सो जदों तो ये हाथ आए, इन्ने ब्रांड्स से ट्राई कर ले, फिर भी ये हाथ फेर दबा तो जाता है, बिकॉज इसके शेड्स बहुत अच्छे हैं और लाइट वेट है, कवरेज भी अच्छी दे देते हैं, लाइट वेट भी है। आपको कभी कभी फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ड्राई स्किन पे वर्क करते हैं, मेरी स्किन पे वर्क करते हैं, ड्राई स्किन पे वर्क करते हैं। सो यू कैन इन्वेस्ट इन दीज कंसीलर्स, दे आर रियली नाइस। एक इसकी और रेंज आती है, वो भी अमेजिंग है, वो है ये वाली। ये मतलब दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ये तो तुम यूज़ करके पता चलेगा कि लेना चाहते हो, तुम आवा लेना चाहते हो, कि आवा लेना चाहते हो। मैं ज़्यादातर वो यूज़ करती हूँ, पर मेरे बच्चे कहते ये बहुत मस्त है मैम, तो मैंने एक दो बार यूज़ किया, बट कहते ना एक आदत पई होंगी है कि और चीज़ें यूज़ कर, मैं वही वाले यूज़ करती हूँ। इवन दीज कंसीलर्स आर रियली नाइस, दे हैव गुड रेंज इन दिस, गुड कवरेज, अमेजिंग अमेजिंग। किस स्किन पर सब तो ज़्यादा चलता है, ड्राई थे कि ऑयली थे? ड्राई पे ले लो, फिर ड्राई तो चलता है, रद्दियाँ चल रही है, आवला लो लो फिर। सो दोनों रेंज बहुत अच्छी है। कभी कभी ऐसे होता है हम लोग दो वेरिएंट्स निकालते हैं ब्रांड्स के, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, किरदे बोलेंगे आलो या आलो। सो इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू कैन गो विद दिस आल्सो। सो नेक्स्ट कंसीलर की बात कर रहे हैं हम लोग, दीज आर फ्रॉम रिकोड। सो रिकोड के भी बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं, थोड़े से थिक हैं, गुड कवरेज है, ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं फॉर इंडियन स्किन। सो आप लोग इस पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, दे आर रियली नाइस, एंड ये ब्रांड बहुत अच्छा जा रहा है। इनकी पेंसिल्स आई जस्ट लव इट, मिला था सलाव मिला था, कोई वो पेंसिल यूज ही नहीं कर रहे हैं। सो आप लोग इनके कंसीलर्स भी यूज करते हैं, दे आर रियली नाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक खजाना खोलने लगी हैं, सस्ता टिकाऊ बोला ना मैं पहले भी, जो तुम मेरी पहली प्रीवियस वीडियो देखी होगी। सो दिस इज फ्रॉम मार्स, इन्हों सस्ता टिकाऊ नहीं बोलेंगे,
बोलेंगे अफोर्डेबल बट अमेजिंग क्वालिटी. सो दीज कंसीलर्स आर फॉर मार्स, वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड आई थिंक ये हर एक स्किन पे चलते हैं, ड्राई ऑयली कैसी मर्जी स्किन हो, कोई बहुत ही रीजनेबल अमाउंट की कोई चीज़ लेने जाती है ना, मैं एक कोई चीज़ है बस इधर बस सर्च कर रही हूँ, किसने ये नहीं कहना है कि ब्रांड ओके ओके है, बहुत बढ़िया सी एंड ब्लेंड्स लाइक मैजिक, वेरी गुड एंड आई थिंक ये किसी के ऊपर भी चलेगा, चाहे आपको सिर्फ लाइट लाइट कवरेज दे के डेली रूटीन में जाना है. सो प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट करके देखें, ये बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है एंड पर अमेजिंग है. सो गाइज ये थी खजाना ऑफ माई कंसीलर्स और मैंने बहुत सारी रेंज बताई है इसमें, आप तो सारे कन्फ्यूज ना होना, तो मेरे कमेंट करके पूछ सकते हो मेरी स्किन इदा है मैं आ लवा, मेरी स्किन उदा है कि मैं ओ लवा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियोज़ कैसे लग रही हैं. मैं बहुत बहुत मेहनत कर रही हूँ इसके लिए, देखो मैं गुत्ते करके भी आ गई हूँ यार. सो आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप हमें बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारे बारे में जान सकें और सारे लोग एजुकेशन ले सकें हमसे. एंड आपको और कैसी कैसी वीडियोस चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उस पर भी वर्कआउट कर सकें. चलता है, लव यू लव यू लव यू लव यू, बाय बाय.